अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं एक ऐसी चीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ कि अपने दोस्तों के लिए जो गल्फ कंट्री में आते हैं और यहाँ पर सिविल इंजीनियर से रिलेटेड यानी कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड वो अपना काम करना चाहते हैं या किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या मुश्किल पेश आती हैं, क्या क्या चीज़ें उनको यानी करनी पड़ती हैं आजकल के जो जो इस टाइम पे चल रहा है। अब सब कंपनी चाहती हैं कि ऑलराउंडर हो, मतलब सिर्फ आपको सुपरविजन नहीं, आपको क्यूएस का काम भी आता हो, आप कोटेशन बना सकते हो, टेंडरिंग के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, बीबीएस का बनाना आपको आता हो, यानी ऑलराउंडर हर चीज़ में। यानी एक सिर्फ बेसिक आपको साइट वर्क एग्जीक्यूशन नहीं करनी है, आपको सारे काम साथ में निभाने। तो इसके लिए काफ़ी दोस्त जो यहाँ पर आके बहुत परेशान होती हैं, जॉब नहीं मिलती, ये सीन हो जाता है, तो उनके लिए मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ और इस वीडियो के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए अपने तमाम दोस्तों को ये सिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके सामने रखूँगा। आगे सबकी अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ है, तो इंशाल्लाह जुड़ी रहिए, आपसे मज़ीद पूरी डिटेल शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो आज जो मैं पहले स्टार्ट करूँगा वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मतलब नॉर्मली इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, उसके हिसाब से कैपस्टोन और इंटरलॉक के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके रिलेटेड है। उसके हिसाब से आज मैं स्टार्ट करूँगा कि उसके लिए आप कैसे कोटेशन बना सकते हैं, कैसे एस्टिमेट निकालेंगे कि हाँ उसमें कितना हमारा खर्चा आएगा, क्या हमारा कॉस्ट है, मैन पावर कितनी जाएगी और बाकी आपने अपना प्रॉफिट कितना रखना है। तो ये चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बयान करूँगा, और ताकि आपको कोई भी आने वाला आगे वाला प्रोजेक्ट टेंडर जो भी है आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आइए चले, पहले आपको मैं साइट विज़िट दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको मैं उसकी एस्टिमेशन कैसे निकालनी है और हमने टेंडर कैसे, उसका कोड कैसे करना है। तो आइए चलिए, मैं आपको साइट की तरफ लेके जाता हूँ। ये हमारी साइट, तो ये फुटपाथ बन रही है, मस्कत म्यूनसिपलिटी का काम है और यहाँ पर ये जी, तो इंटरलॉक चले कैप्सटोन आए लगाने अभी इस एस्टिमेट की तरफ। सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी है साइट पे, साइट इंस्पेक्शन करनी है हमारी कि हमारी साइट कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पर हमारा फिटिंग और फिलिंग कितनी है, यानी अनइवन एरिया है तो हम उसको बैलेंस करने में हमारा कितना खर्चा जाएगा, या उसको अगर वो स्ट्रेट है या असफाल्ट डाली हुई है तो उसकी कटिंग हमने करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को सबको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हमारी उसमें कितना खर्चा आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें साइट विज़िट करना पड़ेगा। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारी, तीसरी चीज़ साइट होल्डिंग और सेफ्टी। अगर हमारा काम है रोड के नज़दीक तो हमें लाजमन बात है बैरियर लगाने पड़ेंगे, सेफ्टी मेजर करनी पड़ेगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर मैं नेटवर्क स्पीड की डिटेल्स देनी पड़ेगी, सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम काम शुरू कर सकते हैं। तो उसका कॉस्ट भी हमको अपने अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेंशन रखना पड़ेगा। चौथी चीज़ आ जाती है हमारी मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज करने की। हमारे पास साइट पर ऐसी जगह मौजूद है कि हम लोग वहाँ पर अपना मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, या उधर मटेरियल पहुँचाना आसान है या नहीं, इस चीज़ को भी हमने अब कंसिडर करना है, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा हो जाता है कई जगह पर कंजेशन एरिया होता है, बहुत तंग एरिया होता है, वहाँ पर हम लोग मटेरियल ज़्यादा अपना नहीं रख सकते तो हमें डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा पड़ते हैं, हम लोग एकदम पूरा मटेरियल मंगा नहीं सकते तो थोड़ा थोड़ा करके मंगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इस चीज़ को भी हमने अपनी कोटेशंस में कंसिडर करना होता है। दूसरा चीज़, तीसरी चीज़ आ गई कि हमें काम के लिए वहाँ पर हमारे पास पानी और बिजली अवेलेबल है या नहीं। अगर पानी और बिजली अवेलेबल है तब तो ठीक, और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा या हमें मिल जाएगा, क्या सीन होगा, ये चेक करना है वहाँ पर साइड पर। अगर नहीं है तो हमें वहाँ पर टैंक रखना पड़ेगा, रोज़ाना के बेसिस पे टैंकर आएगा, उसका खर्चा वो भी हमें कंसिडर करना है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का भी, अगर वहाँ पर बिजली करीब में नहीं है तो हमें जनरेटर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसमें क्यों, क्योंकि हमें कर्बस्टोन काटना पड़ेगा या इंटरलॉक काटना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें वो ज़रूरत आएगी, एक्सिवेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन को भी वहाँ पर हमने मद्देनजर रखना है। चौथी चीज़, छवीं चीज़ ये आती है हमारी कि हमारे वहाँ पर मैन पावर डेली बेसिस पे हमें ट्रांसपोर्ट करना है, उनका खर्चा, या उधर एकोमोडेशन है तो उधर उनकी एकोमोडेशन पर जो हमारा खर्चा आएगा, इस चीज़ को भी हमने अपने प्रोजेक्ट में कंसिडर करना है। और इसके बाद हमारे आ जाएंगे, हम लोग अपने चार्जेस चेक करेंगे कि मार्केट वैल्यू में चार्जेस क्या हैं, यानी फिक्सिंग के क्या चार्जेस हैं। आप कहीं भी अगर ओमान के अंदर हैं, मस्कत के अंदर हैं, तो आप कहीं भी जाएँ, गोबरा में, माबेला पीपी में, अमरात एरिया में, तो आपको वहाँ पर एक गैदरिंग मिलेगी वर्कर्स की, तो आप किसी से भी बोलें कि मेरे पास इंटरलॉक का काम है या कर्बस्टोन का काम है, आप किस तरह सब, यानी आप किस तरह स्क्वायर मीटर लगा सकते हैं हमें बताएं, या कोई भी आपके पास सब कॉन्ट्रैक्टर है जो टाइल का काम करता है, इंटरलॉक का काम करता है, आप उससे भी अपनी पूछ सकते हैं कि हाँ आप कितना स्क्वायर मीटर में हमें लगा के देंगे। नॉर्मल जो रेट चलता है इंटरलॉक फिक्सिंग का वो 1 रियाल 500 से 2 रियाल है। इसी तरह कर्बस्टोन की फिक्सिंग चार्जेस 1 रियाल से लेके 500 पैसा भी है, 700 पैसा भी है, पर 1 रियाल 100 से लेके 1 रियाल 500 तक हैं, जो एक्सपर्ट हैं जिनको लगाना आता है।
तो ये हो गया। उसके बाद हमें सैंड और सीमेंट की वैल्यू चेक कर लेनी है, जिस एरिया में हम ये काम करने जा रहे हैं कि वहाँ पर सैंड की ट्रिप कितने का है, सीमेंट किस तरह है। सैंड नॉर्मली 70 रियाल ट्रिप है, 18 क्यूबिक मीटर का, वो डिफरेंट नॉर्मली यही चलता है, 70 रियाल में आपको मिल जाती है। सीमेंट की वैल्यू 1 रियाल 500 पैसा है पर बैग, और बाकी आपको आ गया आपका बैग फिलिंग सॉइल, यानी आपको बैग फिलिंग करनी पड़ती है, तो 25 से 40 रियाल आपका एक ट्रिप है 18 क्यूबिक मीटर का। आप फिर चेक करेंगे कि हमारा कंपेक्टर का रेंट कितना है, अगर आपके पास कंपेक्टर नहीं, आपने रेंट पे लेना है, तो उसके चार्जेस क्या हैं, वो 5 से 10 रियाल है डेली रेंट के ऊपर। ये आपको मैंने मेंशन किया है, आप उसमें से देख सकते हैं। इस तरह आप अपने भी किसी भी प्रोजेक्ट्स के एस्टिमेशन कर सकते हैं कि हमारा कितना खर्चा आएगा, मैं कितनी कोटेशन डाल सकता हूँ, अपना कितना बीच में प्रॉफिट डालना है, और इस तरह के आप काम पकड़ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी इंटरलॉक और कर्वस्टोन से रिलेटेड, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई इधर काम करने आए, अल्लाह ताला उनके लिए सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, इसी तरह कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह।